100-100 गज के प्लॉट्स दिए जाने के मामले में, जहां एक ओर बीपीएल परिवारों का ये कहना है कि सरकार ये दावे करती है कि बीपीएल परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट्स दिए गए हैं, वहीं आए दिन किसी न किसी गांव के लोग लघु सचिवालय पहुंचते हैं और उपायुक्त महोदय से प्लॉट्स की रजिस्ट्री इत्यादि की मांग करते हैं। इसी सिलसिले में गांव गुजरानी के पात्र बीपीएल परिवारों के कुछ लोग लघु सचिवालय पहुंचे और प्लॉट्स दिए जाने की गुहार लगाई। वहीं सरकार के दावों की पोल खोलते हुए करीबन 15 गांवों के ग्रामीण एकत्रित होकर रोहतक गेट पर पहुंचे और वहां जाम लगा दिया, जिस पर पुलिस द्वारा दबंगाई दिखाते हुए लोगों को जबरन उठा उठा कर जीपों में भरा गया व शहर के बाहर छोड़ा गया, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी। तो उनको प्लाट अब तक मिले ही नहीं, अभी नहीं मिले, आज आवाज उठाने के लिए आए तो फिर क्या किया पुलिस ने? फिर हमें फ्लेट दिया गया, क्या लगता है गरीब की आवाज? गरीब की आवाज तो सरकार से क्या मांग करते हो आप? हमें 100-100 गज का प्लाट मिलने चाहिए। मतलब यहाँ तक है कि जो काम न होना चाहिए था, पुलिस ने जो काम किया है ये बहुत ही अच्छा काम नहीं किया है, जबकि अत्याचार हुआ है और आम आदमी जुलूस निकालते हैं, रोड भी है, रेलवे ट्रैक जाम करते हैं, उनको किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है, ऐसा दुर्व्यवहार किसी के साथ भी नहीं हुआ है, जितना भी जो गरीब इंसानों का छात्र सड़क रोकी थी तो पर्यटा दिया, विकलांग भी विधवा भी, तो बीपीएल का प्लाट लेना चाहते थे, कोई सुनाई नहीं करी, प्लाट नहीं दे रहे थे। तो आज प्रदर्शन किया था, क्या हुआ आपके साथ? पुलिस आने यहाँ भगा दिया हाथ पकड़ पकड़ के। महिलाएं भी काफी संख्या में देखी गई थी, महिलाओं भी काफी, वो सारी महिलाएं सर। बात की जाए अगर बड़े अधिकारियों की तो क्या उन्होंने कार्रवाई के लिए क्या कार्रवाई के लिए कोई बड़े अधिकारियों कोई आदेश नहीं होते, इसमें तो मौके के लिए जाकर समझते हुए जिसमें लाइन आउट मेंटेन रह जाए कुछ भी डिसाइड करना, क्या कार्रवाई की जाएगी सर जिन लोगों ने? जैसे जैसे शिवरात्रि